जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे हैं। अगर उसका डोर खुला हुआ तो हम अंदर दाखिल होंगे, फिर आपको भी दीदार कराएंगे और ख़ुद भी देखेंगे। थोड़ा बाहर बाहर तो हो गए, निकलो ना, इंज करके इंज हो जाएंगे अंदर। तो गाइस अभी हम जन्नतुल बकी में आ गए हैं और ये एक ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ पे हर मुसलमान का दफन होने का ख्वाब है। माशाल्लाह दोस्तों कितना प्यारा मंदिर है, जन्नतुल बकी है और उसके बाद आपको सबको दिख रहा है गुंबद-ए-खिज्रा। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है जी। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर किन किन हजरात की कब्र मुबारक है, यहाँ पे सबके लिखे हुए हैं। जैसे कि हज़रत बीबी फातिमा की कब्र मुबारक है इधर, हज़रत इमाम हसन की कब्र मुबारक है यहाँ पे, ठीक है, हज़रत अब्बास की कब्र है, हज़रत उस्मान की कब्र यहाँ पे मौजूद है और हज़रत आयशा की। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एक अलग सी कब्र मुबारक मौजूद है, ये देख सकते हैं ये वाली, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कब्रें हैं, इज्तमाई कब्र के लग रही है ना भाई। बेटे ये काफ़ी इनमें कब्रें जो नहीं हैं, और जो जो पुराने वाला जन्नतुल बकी था वो सामने सामने फ्रंट फ्रंट पे आता है ना, वो सामने गेट के अंदर तकरीबन 100 मीटर के अंदर वो सारा सहाबा की कब्रें हैं उसमें, और आला सहाबा की कब्रें मौजूद हैं वहाँ पे। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हज़रत इब्राहिम की है, जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे जो बचपन में ही फौत हो गए थे, जो उनकी कब्र मुबारक है। ये जो आप इन दो कब्रों में से एक कब्र मुबारक उस्मान गनी की है, ये आप देख सकते हैं इन कब्र मुबारक में से एक कब्र मुबारक जो हजरत उस्मान गनी की है। ये थी एक मुख्तसर सी वीडियो जन्नतुल बकी की। अगर आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।